नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैडीग्राम या जिसे हम बोलते हैं बेबीग्राम एक्सरे। तो इसके तीन चार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी प्रोसेस के बारे में, टेक्निक के बारे में। दूसरी बात करने वाले हैं कि क्यों किया जाता है, क्यों सजेस्ट डॉक्टर करते हैं इसको लेने के लिए। तीसरी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के तीन टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेक्निक की। टेक्निक में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका हेड से लेके टॉय तक पूरा बॉडी कवर होना चाहिए एक्सरे में। एक छोटा सा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसका ये एक्सरे लिया जाता है। ये हेड से लेके टॉय तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए एक ही इमेज में, जिसमें हम 14-17 की कैसेट लेंगे, उसको बक्की या टेबल पे रख देंगे जिस तरह से आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। उसके बाद बेबी को सुपाइन पोजिशन में उसको लेटा देंगे और उसको इस तरह से उसके हाथ एकदम सीधे करेंगे, पैर सीधे करेंगे, ताकि पैल्विस भी अच्छे से दिख पाए और उसके जो भी बोन्स हैं अभी जो ग्रो हो रही हैं वो सभी हमें दिखने चाहिए हेड से लेके टॉय तक। एक 14-17 के सेट में बच्चा आ जाता है आराम से। तो जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसी तरीके से हम बच्चे को सुपाइन पोजिशन में एपी एक्सरे लेंगे। ओके, एक एक्सरे लेंगे लेटरल व्यू में, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, एक लेटरल व्यू में और एक एपी पोजिशन में, दो एक्सरे पूरी होल बॉडी का बच्चे का लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्यों लेते हैं एक्सरे, सजेस्ट क्यों करता है डॉक्टर कैडीग्राम या बेबीग्राम एक्सरे। और कई बच्चों में जेनेटिकल डिफेक्ट्स होते हैं, कई बच्चों में जो पैदा होते हैं तब भी कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं और कोई पैथोलॉजिकल भी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो उन्हीं कारणों को देखने के लिए डॉक्टर कैडीग्राम या बेबीग्राम एक्सरे करवाते हैं। तो बातों का किनका ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हमें मार्कर भी लगा लेना है राइट साइड का, कि कौन सी साइड का बेबी का राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, तो मार्कर जरूर याद रखें। और कम से कम, दूसरी बात है, कम से कम एक्सपोजर दें बच्चे को। छोटा सा है, वन डे का ही बेबी होता है कैडीग्राम के लिए, तो सबसे कम रेडिएशन मिले उसको और कम टाइम में एक्सपोज हो। ज़्यादा टाइम एक्सपोजर का ना दो, कम से कम टाइम में एक्सपोज हो और बहुत कम रेडिएशन हो, इस तरीके से आप सेट करें। और बेबी को एकदम पोजिशन सेट रहे कि एक ही बार में एक्सरे आ जाए, बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो किसी को साथ में लेकर, या जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐसे उंगली रख के, केवल उंगली रख के बच्चे को थोड़ा पोजिशन सेट करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा हाथ पकड़ लिया, पूरा उसमें दिखने भी चाहिए बच्चे के बोन्स वगैरह, तो दो केवल उंगली रख के भी आप उस बच्चे की पोजीशन को सेट कर सकते हो और एक्सरे ले सकते हो। जैसे एपी और लेटरल व्यू, दो एक्सरे लेना है पूरी होल बॉडी का। तो यही है कैडीग्राम या बेबीग्राम जिसे एक्सरे बोलते हैं हम। तो ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।